अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिविंग इन अप विद पीनेश। आज हम बना रहे हैं टिक्का मसाला। टिक्का मसाला बनाने के लिए मैंने क्या किया है कि जो साबुत मसाले हैं उनको अलहदा रख दिया है और जो पिसे हुए हैं उनको अलहदा रख दिया है। हम इन दोनों को मिक्स करेंगे ज़रूर, पर पहले हम क्या करेंगे, जो साबुत मसाले हैं उनको हम पीस लेंगे और फिर आपस में इनको हम मिक्स कर लेंगे। आ जाते हैं अपनी इंग्रेडिएंट्स की तरफ। हम डालेंगे इसमें 3.5 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट, काला नमक डालेंगे हम 1 टीस्पून, सिट्रिक एसिड 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर डाल रहे हैं हम आधा कप, कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर हम डाल रहे हैं 1/4 कप, पिपली पाउडर हम डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून, जिंजर पाउडर हम डाल रहे हैं 1 टेबलस्पून, गार्लिक पाउडर भी 1 टेबलस्पून, चीनी हम डालेंगे 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून हम यूज करेंगे हल्दी पाउडर, फूड कलर्स हम यूज कर रहे हैं रेड 1/4 टीस्पून और येलो भी 1/4 टीस्पून। अब आ जाते हैं अपने साबुत गरम मसालों की तरफ। जीरा डाल रहे हैं 3 टेबलस्पून, साबुत काली मिर्च डाल रहे हैं 3 टेबलस्पून, जावित्री हम डाल रहे हैं साबुत 1 टेबलस्पून, जायफल जो कि होती है नटमेग हम डालेंगे 2 होल, एक हम बादियान का फूल डाल रहे हैं, 5 से 6 बड़ी इलायचियां, 1 टेबलस्पून हम डाल रहे हैं लौंग साबुत, 8 हम डाल रहे हैं दालचीनी। ये होगी हमारे साबुत मसाले। हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने साबुत मसालों को ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। जो साबुत गर्म मसाले थे वो मैंने ग्राइंडर में पीस लिए हैं, जो पाउडर फॉर्म है वो हम इसमें कर लेंगे मिक्स। पाउडर फॉर्म वाले सारे ऐड करके आप इसको अच्छे से कर लें मिक्स। हम क्या करेंगे कि इसको फिर से एक दफा ग्राइंडर के अंदर हम कर लेंगे ग्राइंड, ताकि बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाए। पहले मैंने साबुत मसालों को पीस लिया और अब मैंने जो बाकी के हमारे पाउडर फॉर्म में मसाले थे उनको भी उसी के साथ मिक्स करके दोबारा से एक दफा पीस लिया है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ गया। जबरदस्त सा कलर इसका आ रहा है, बिल्कुल बाजार जैसा लग रहा है। अब हम इसको ग्लास जार्स में कर लेंगे से। ये बाजार से इसलिए बेहतर है, बाजार वाले मसाले के अंदर प्रिजर्वेटिव्स डले होते हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। इजी सा आप घर पे बनाएं, घर पे सारे मसाले अवेलेबल होते हैं और जो नहीं होते वो आपको आराम से मिल जाते हैं बाजार से। आप अपना घर में टिक्का मसाला बनाएं और अपने बारबेक्यू करें। हमारा चिकन टिक्का मसाला रेडी हो गया है, मैंने इसको ग्लास जार्स में सेव कर लिया है। चिकन बारबेक्यू, मटन बारबेक्यू, जो भी आप टिक्के बनाना चाहते हो, मटन के, लैम के, किसी भी चीज़ के ऊपर आप इसको यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको ये चटपटी सी टिक्का मसाले की रेसिपी पसंद आएगी, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू लिविंग इट अप विद पीनेश। अंटिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अदर्स। अल्लाह हाफ़िज़।